लेकिन यह अनुभव हम मायाबद्ध जीवों को नहीं हो सकता है। हम मायाबद्ध जीवों को लगता है कि भगवान तो ऊपर गोलोक वृंदावन में रहते, ये तो पत्थर का मूर्ति है या धातु का मूर्ति है या लकड़ी का मूर्ति है, लेकिन भगवान नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाई, तीन चिदानंद रूप, यह गुरु वैष्णव कृपा करके हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। और गुरु वैष्णव की कृपा से भगवान विग्रह करके गुरु वैष्णव के निवेदित वस्तु को ग्रहण करके हमारे सामने प्रत्यक्ष दर्शन कराते। इसलिए इन गुरु वैष्णव की कथा श्रवण के द्वारा हृदय पवित्र होता है, हृदय में सेवा वृत्ति जाग उठता है। और गुरु वैष्णव की जितना सेवा करेंगे इतना ही हमारा कल्याण है। गुरु वैष्णव के सेवा के बिना कलिहत जीवों को उद्धार की और कोई रास्ता नहीं है, केवल गुरु वैष्णव की सेवा करना है। क्योंकि गुरु वैष्णव हमारे पास में है, भगवान बहुत दूर है। भगवान अगर हमारे सामने साक्षात दर्शन दे तो भी भगवान को दर्शन करके हमारे हृदय में विश्वास नहीं होगा कि यह भगवान है, क्योंकि भगवान तो हमें दर्शन देने के लिए साधारण रूप में आएंगे, हम पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु वैष्णव आकर के हमें जब बताते हैं यह भगवान है साक्षात, इनकी सेवा करने से तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तो गुरु वैष्णव की उपदेश से हम उनकी सेवा में प्रवृत्त हो जाते। महाराज जी इस ओडिशा प्रदेश में गंजाम जिला में आविर्भूत हुए थे। भगवान की तरह भगवान की भक्त, जहां आविर्भूत होते कुलं पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा च वसतिश्च धन्ना नित्यं ति स्वर्गे पितरोऽपि येषां तेषां कुले वैष्णव नामधेयम्। तो जननी जैसे कितर्ता होते वसुंधरा च वसतिश्च धन्ना, जहाँ वैष्णव आविर्भूत होते हैं वो जगत वो स्थान वो देश वो पवित्र हो जाता है। तो महाराज जी की ओडिशा प्रदेश में गंजाम जिला में आविर्भूत होकर के और उन्होंने दिखाया कि बचपन से ही उनकी भगवान की प्रति रीति गुरुपाद पद्मा आश्रय से पहले ही गंजाम पढ़ाई के बाद, क्योंकि समय अल्प में संक्षेप में बता रहा हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने पढ़ायन अध्ययन विद्या कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वहाँ गंजाम जिला में घर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर गणेश जी का मंदिर है पहाड़ में जंगल में, वहाँ गणेश जी की आराधना किया। जब गणेश जी की आराधना किया तो गणेश जी ने साक्षात उनको दर्शन दे के उनको उपदेश किया कि तुम जो गुरुपाद पद्म है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो नवद्वीप मायापुर में अवस्थान कर रहे तुम उनके चरण आश्रय कर। तो उन्होंने उस समय वहाँ गंजाम जिला में एक वैद्य राज रहते थे मधुसूदन शर्मा, उनको संग मिला और उनके साथ जाकर के मायापुर में जाकर के प्रभुपाद जी का दर्शन किया, प्रभुपाद जी के चरण आश्रय किया और चरण आश्रय करने के बाद नाम दीक्षा लेकर के आए। घर में आने के बाद उस समय प्रभुपाद जी का अंतिम समय है, दीक्षा देने के कुछ दिन बाद ही शायद अगस्त में उन महाराज जी की दीक्षा हुई थी और दिसंबर 31 दिसंबर प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गुरु जी की विरह संवाद को सुनकर महाराज बड़े दुखी हुए, क्योंकि गुरु नित्य जन है। महाराज जी तत्क्षण गुरु जी के उत्सव प्रभुपाद जी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ओडिशा से मायापुर पहुँचे, वहाँ उत्सव आदि समाधान करके आगे घर।
लेकिन घर में आने के बाद मन तो प्रभु गुरु सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए छटफटाहट। तो मायापुर पहुंच गए दोबारा, और मायापुर में पहुंचने के बाद गुरु भाइयों ने प्रभुपाद के जो जान है उन्होंने दर्शन करके बड़े खुश हुए और बोले देखो, पहली उनको आदेश किया सभी प्रभुपाद के जनों ने कि राम केली गांव में महाप्रभु जी गए थे और प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि जहाँ जहाँ महाप्रभु जी गए हैं वहाँ वहाँ महाप्रभु जी के पाद पीठ स्थापन करने का। और राम केली गांव में प्रभुपाद जी ने पाद पीठ स्थापन करने के लिए पाद पीठ भी बनवा लिया था, लेकिन स्थापित करने के पहले ही गोलोक में चले गए, तो पादपीठ राका है। सभी गुरु भाइयों ने महाराज जी से कहा कि आप रामकेली में जा कर के गुरु जी की मनोविलास यह पादपीठ वह स्थापन करके आइए। तब आपका उम्र, महाराज जी का उम्र कितना होगा, छोटा सा ही है, 20-22 साल के ही है, नए नए हैं, और नया ब्रह्मचारी भी है मंदिर में। वो सुन करके बोले हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम कैसे करेंगे। तो सभी गुरु भाइयों ने कहा, प्रभुपाद के जन ने कहा कि आप गुरु जी को याद करिए, गुरु जी आपको शक्ति देंगे। रात्रि में जोगपीठ में विश्राम किया, सो रहे थे विश्राम। तो जब विश्राम कर रहे थे निद्रा में देखा कि दो सुंदर किशोर बालक आकर के उनका सपने में दर्शन देकर के कहा कि देखो मेरे प्रभु जी आकर के यहीं पर बैठे थे, इस स्थान में प्रभु जी के पादपीठ को स्थापित करना और चिंता नहीं करना, हम दोनों आपके साथ हैं। वो दोनों कौन, ना स्वयं रूप और सनातन, रूप और सनातन गोस्वामी साक्षात उनको दर्शन दे करके उनको मन में क्या बिल्कुल चिंता ना करे पहुँचे। और उसके बाद जब सपनों में रूप सनातन का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वो राम के लिए पहुँचे, गांव वाले को बुलाया और फिर बोला कि ऐसे गुरु जी की इच्छा थी महाप्रभु जी की पादपीठ स्थापित करने का, पादपीठ को स्थापित करना चाहता हूँ। गांव वाले सब सहयोग किया और विराट उत्सव करके वहाँ प्रभुपाद जी की स्थापित किया। वहाँ भी रूप सनातन ने दर्शन दे करके स्थानों को दर्शन कराया कि यहाँ करो। तो ऐसे क्योंकि ये लोग गोलोक से आए, ये रघु रूप आदि सभी के पारिकर है, दासी है, मंजरी है, और उन्होंने उसके बाद पूरे उस समय एक ही चैतन्य मठ के सब अधीन था, तो उन्होंने कोभुर में जाकर के वहाँ भी और जितना जहाँ भी मठ है वहाँ जाकर के प्रभुपाद के मंदिरों को, ठाकुर जी को खूब सेवा किया। और उसके बाद उन्होंने आपके श्री कृष्ण चैतन्य मिशन को स्थापित किया, क्योंकि महाप्रभु जी की जो वाणी थी, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र हैवे मोर नाम प्रचार, ये जो वाणी है इसको सार्थक करने के लिए जितना अधिक ऐसा सत मिशन सत्संग होगा वो इतना अधिक सारे विश्व में महाप्रभु की जानी को प्रचारित हो पाएगा। यह जब उनके गुरु वैष्णव के द्वारा उनके हृदय में प्रेरणा सभी ने दिया तो श्री कृष्ण मिशन की स्थापना किया, और मिशन का स्थापना करने के बाद उन्होंने स्वयं आचरण करके समस्त जगत जागा में, सभी जागा में, विश्व में कोने कोने में जा करके महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया, जिसके बदलत आज सारे विश्व से सभी लोग आकर के उनके चरणों को आश्रय करके महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उनकी एक दो केवल आचरण, वैष्णव वैष्णव के हृदय, वैष्णव के हृदय में किसी प्रकार छल कपट नहीं होते, जैसा छोटा बच्चा जो 2-3-4 साल की बच्चा है, वो छोटे बच्चा बिल्कुल सरल होता है, उसके मन में कोई भी छल नहीं होगा, कपट भी नहीं होगा। आप सिखाना भी चाहेंगे तो छोटे बच्चा समझ भी नहीं पाता है,
कि छल कपट होता है क्या। हे अगर कहेंगे, छोटा सा उदाहरण से समझा दूँ कि आप छोटा बच्चा से कहे कि कोई आकर के पूछे कि पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है, तो बोलना पिताजी बाजार गया है। और कोई आकर के पूछे बच्चा से अरे पिताजी कहाँ है, तो कहेगा पिताजी ने कहा है कि बोलने के लिए पिताजी बाजार गया है। क्योंकि उसके हृदय में छल कपट नहीं है, वो इतना नहीं जानता है कि इनको बताना नहीं है पिताजी ने कहा है। वो तो मन से सरल होता है तो बोल देते, और बोलना नहीं, आचरण भी ऐसा ही। तो महाराज जी वृंदावन में हमारे मंदिर है जो महाप्रभु जी का बैठक है, इमली तला के पास ही है राधा वृंदावन चंद्र मंदिर श्री कृष्ण चैतन्य मिशन। और वहाँ भी महाराज जी की मंदिर, नया मंदिर उस समय निर्माण चल रहा था। इमलीतला मंदिर में जो इमलीतला मंदिर का फाउंडेशन है वो भी महाराज जी ने रखा था नया मंदिर का। और मंदिर का द्वारोद्घाटन वो भी महाराज जी की करकमल के द्वारा हुआ। तो द्वारोद्घाटन के दिन उस समय में ही मंदिर की सेवा देख संभाल रहे थे महाराज जी। द्वारोद्घाटन करके पास में ही आश्रम है तो वहाँ चले गए, क्योंकि उम्र तो बहुत हो चुका है और बड़ा उत्सव है। लगभग डेढ़ बज हुआ था उद्घाटन। उसके बाद महाराज जी अपने भजन कुटीर में चले आए अपना विश्राम आदि प्रसाद आदि पाने के लिए। महाराज जी को वैष्णव के द्वारा मंदिर के द्वारोद्घाटन हुआ है। गुरु वैष्णव कोई आवे विशेष तिथि में उनको कुछ सेवा करना चाहिए, तो महाराज जी को उस समय सेवा की कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं कुछ उनको सेवा नहीं कर पाया। तो संध्या के बाद महाराज जी के लिए एक थाली में थोड़ा सा सामग्री, भेंट सामग्री देने के लिए वस्त्र आदि हैं, फल आदि लेकर के, मिठाई आदि लेकर के, और उसमें जरा सा दक्षिणा भाई एक लबाबा पे राख करके महाराज जी को पास आया। उस समय वहाँ के जो हमारे वृंदावन के मठ के इंचार्ज है भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज है, वो महाराज जी की सेवा भी करते थे। तो मैं निष्किंचन महाराज जी से ले करके महाराज जी को पास पहुँचा। हाँ, इससे पहले मैं एक और एक बता दूँ। इसको बताने से पहले, जब महाराज जी ने मंदिर का फाउंडेशन भित्ति रखा, उसके बाद महाराज जी मुंबई में प्रचार करने गए। और जब प्रचार वहाँ करने गए तो वहाँ किसी भक्त महाराज जी के पास आए कुछ दक्षिणा लेकर के, लगभग काफ़ी मोटा रुपया था, लगभग 10 लाख के करीब, और वो आकर के महाराज जी को देना चाह कि महाराज जी ये हम आपको देना चाहता हूँ महाप्रभु की सेवा के लिए। तो महाराज जी ने उससे उस पैसा लिया नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करो आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जा कर के इमलीतला मंदिर है जो चैतन्य महाप्रभु जी का बैठक है, वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आप जा कर के इस जो हमें देना चाहते हैं उसको वहाँ मंदिर में इमलीतला में वृंदावन में जाके दे आइए, तो हमें ही मिलेगा और महाप्रभु जी भी बड़ा खुश होंगे। ऐसा बोल करके उन्होंने उनसे लिया नहीं। और जब वापस वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के हमसे बोले कि देखो मुंबई से कोई सेठ आएगा तो पैसे वाले लोग थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं, वो आए तो उसको थोड़ा सा बढ़िया ठाकुर जी के कई प्रसादी हार लाके पहना देना, थोड़ा सा बढ़िया प्रसाद लाके देना, वो आकर के यह कुछ सेवा करेगा। लेकिन बाद में वो आया नहीं, किसी संस्था को पता लग गया कि ये जा रहा है वृंदावन में कुछ पैसा लेके देने के लिए, तो उस संस्था ने उनसे कहा वृंदावन देने जा रहे हो,
देने के बाद तुम्हें देखे मिलेगा, देखेगा भी नहीं तुमने क्या सेवा किया। या तुम लगाओगे तो तुम्हारे सामने रहेगा तुम्हारी सेवा। तो उसने जो पैसा देने के लिए सोचा था वो वहाँ दे दिया और वृंदावन नहीं आया। महाराज जी जो बाद में पूछा आया था हमें, तो मैंने बोला नहीं महाराज कोई तो नहीं आया। बाद में जब वो वृंदावन मुंबई गए तो पता लगा कि उन्होंने वहाँ पर दे दिया किसी और जगह। तो इसमें दो बात है समझने की। पहला है कि महाप्रभु जी जिनकी सेवा स्वीकार करते हैं उनका वस्तु ही महाप्रभु जी अपनाएंगे। भक्ते द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु फिरिया होना चाहे। भगवान भक्त के वस्तु को स्वीकार करते, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। दुर्जोधन के भोग ना भायो, सूखा साग विदुर घरों खायो। भगवान दुर्जोधन के भोग नहीं खाया, विदुर के घर में जाकर के केले के छिलके खाया। तो भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते। महाराज जी ने सोचा कि ये हमारे पास आया है, महाराज जी जो हमें बताया उनके अनुभव में बता रहा हूँ। महाराज जी बोले हमने लिया नहीं, कि हम सोचा कि हमारे पास आया 10 लाख लेके, अगर वो वृंदावन जाके इमली तला को देखेगा, ठाकुर जी को देखेगा, महिमा को सुनेगा, स्थान को दिखेगा, तो 10 की जगह 15-20 भी दे सकता है, उसके पास सामर्थ्य है। इसलिए महाराज जी उसके पैसा खुद नहीं लिया। वो चाहते महाप्रभु जी अगर चाहते लेना तो उसी समय महाराज जी लेके वृंदावन में आके हमें कहते हैं लो। लेकिन महाराज जी ने यह सोच करके नहीं लिया कि हमें 10 दे रहा है, वृंदावन जाके 10 की जगह 20 भी दे सकता है, ऐसा विचार करके। और महाप्रभु जी भी महाराज जी के मन में प्रेरणा दिया कि अभी मत लो उसको बोलो, क्योंकि हमारे मुझे इसकी वस्तु लेना नहीं है, इसकी वस्तु इतना सात्विक नहीं है। सात्विक वस्तु ही महाप्रभु जी भगवान स्वीकार करते। जो तामसिक है, जिसमें छल कपट के द्वारा दूसरे को सता करके कमाया गया है, वो पैसा ठाकुर जी को इतना प्रिय नहीं होता, वो प्रभु जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए महाराज जी वो लिया नहीं। और स्वयं महाराज जी ने भी जबकि अपना मंदिर हो रहा है वृंदावन में, तब भी महाराज जी 5 लाख रुपया हमें दिया था मंदिर निर्माण के लिए। तो इसलिए महाराज जी को जब भेंट देने के लिए थोड़ा सा सामग्री लेके गया, थाली में कपड़ा आदि, उसमें लेपापा में थोड़ा दक्षिणा आदि दे के महाराज जी की कर कबलों में मैंने दिया। तो महाराज जी क्या किया कि वो जो लेपापा है जिसमें दक्षिणा रखा है, वो दक्षिणा की लेपापा हाथ में लिया और वो खुल के देखने लगे। तो निष्किंचन महाराज जी हो तो शर्माने लगे कि मेरे सामने ही मैंने ही दिया, और देने के बाद महाराज जी और कुछ नहीं ले पापा ले करके देख रहे। तो निष्किंचन महाराज जो इंचार्ज थे वो बहुत शर्माने लगे, देखो प्रभु जी के सामने ही महाराज जी उसको खोल करके देख रहे कि कितना दक्षिणा दिया है। ये क्या है महाराज जी के, क्या लोभ है मन में कि कितना दिया वो देखने का? जैसा छोटा बच्चा भंडारे में जाता है दक्षिणा दे करके देखते, क्योंकि उसमें लोभ रहता है, लालच होता है, छूटे है। लेकिन ये गुलोक के लोग है, वैकुंठ के लोग है, इनमें ये देखने का है कि छूटे बिल्कुल बालक जैसा है, इनके कि हमें कितना प्रीति करता है, हमें कितना प्रीति करता है, वो देखने के लिए कितना दिया है। ये भाव है कि हमें कितना प्रीति करता है। तो गुरु वैष्णव सरल है और वैष्णवता का दूसरा नाम ही है सरलता। और गुरु वैष्णव उसी को शिक्षा दिया है कि सरल बन करके भगवान के भजन करो, तो तभी ही गुरु वैष्णव की सेवा करो। जितना सरल बनोगे इतना ही कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। उसके बाद हमारे गोविंद प्रभु कमल प्रभु दोनों महाराज जी के चरणों में बाक पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। हैं माता जी पहले माता जी आप पहले।
इसको भी खोल देते हैं। Anatimirantasya Ganantana Shalakaya Chakshaum Militamina Tasna Shri Gurave Nama Nama Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Putale Shimate Bhakti Vaibhava Puri Goswami Dinamini Gauravani Pracharaya Dritta Sankalpa Murtaye Krishna Shakti Sarupaya Shri Bhakti Padayini Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Putale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Dinamini Shivasapana Vidivi Daitaya Gepaptaye Krishna Sambandha Vigyana Daini Bhapavi Namaha Madhurya Chvala Primadha Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gaura Vani Shimuta Yati Natalini Rupa Nuga Viruta Prasitanta Santarini Namo Gaura Kishuraya Sakshat Varaga Nurtaye Vipranam Parasam Vodhe Padam Puchaya Dinamaha Jai Shri Rupa Sanatam Pataranat Shichiva Gopal Patadasaranat Vancha Kalpada Rupyascha Kripa Sindhu Pe Ivacha Patitanam Pavanipya Vaishnavipya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prima Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradvisha Namaha Divyat Vrindarana Kalpa Tumadha Srimatnat Nagara Sinha Sanastha Shishi Radha Srila Govinda Deva Prishtali Bishida Manosmarami Chagadananda Kandaya Pranata Diharayata Nilachala Nivasaya Chaganathaya Dinamaha Bhaktya Vihina Aparata Lakshaya Kshitashtra Kamadita Rangamathi Kripamaya Tvam Sharanam Prapanna Vrindi Namaste Charanara Vindam Mukham Karoti Vachalam Vangungula Teki Grim Tat Kripatam Aam Vande Paramananda Madhavam Narayanam Namaskrita Naram Charanarottamam Divim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Utirayet Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalamasti Vanasti Vanasti Vakatiranyata Hare Krishna Kalku heute dicke Kumkorübeko Om Maran Adhyaptika Guru Nitile Pravishta Gaura Kripa Shri Murti Om Vishnu Pada Paramhamsa Astotra Shata Shishimad Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharajankara Ashoka Abhaya Charana Kamalare Mara Bhakti Vinamra Panama Chanai Tankara Ayatukki Kripa Pratana Kori Mara Shiksha Guru Paramapuja Bhat Srila Bhakti Vicha Vishnu Goswami Maharaj Ivam Srila Bhakti Vilas Pachadaka Maharajankara Pada Patmari Panam Kori Tankara Ayatukki Kripa Pratana Kori Jagat Guru Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Kara Ashoka Abhayat Pada Patmare Bhakti Purna Pranati Nividana Kori Tankara Ahituki Kripa Pratana Kori Samasta Acharya Varja Guru Varga Goswami Vrinda Vaishnava Vrinda Samastankara Pada Patmare Pranama Kori Tankara Ahituki Kripa Pratana Kori Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Shri Radha Madhavachu, Shri Radha Kunjabiharichu, Charana Kamalare, Bhakti Purna Pranati, Dhyanpana Kori, Tankara Aituki Kripa Pratana Kori, Shripat Tamal Krishna Das Brahmachari, Shripat Umakanta Das Brahmachari, Ku Pramanam Kori, Tankara Aituki Kripa Pratana Kori, Brahmachari Vrinda, Bhakta Vrinda, Vaishnava Vrinda, Vaishnava Vrinda, Matu Mandali Samasta Shota Vrindaku Pranam Kori Tankara Ahituki Kripa Pratana Kora Ochi Aji Amara Guru Divankara Nitalila Pravishta Gauri Kripa Shimurti Om Vishnu Pada Ashtota Shata Shishimad Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharajankara Panchadasha Dhamma Dhirubhava Titi
वैष्णव मानकर आविर्भाव एवं तिरुभाव तिथि बहुत मंगल सरी आम श्रीमानकर महिमा कथा कीर्तन करू आम तर कृपा और आशीर्वाद पाइब आमार परम पूज्यपाद श्री भक्ति विलास पटनायक महाराज मत आज गुरु महाराज चरित्र कीर्तन करने को कहले प्रकृत में मोर हरकता कह योग्यता नहीं किंतु मु महाराज अनुरोध रखी किसी कह सदगुरु मुख रविंद एवं वैष्णव मुखर मुख कमल मुझे सुनी एवं टी कम करतु जहाँ सुनी एवं वैष्णव शास्त्र जहाँ पड़ी केवल से ही कथा कहूँ मो हृदय को साधित करें मुझे कह चेष्टा कर समस्त भूल क्षमा करेंगे ओडिशा प्रदेश में गंजाम जिले में ब्रह्मपुर सहारू पांच किलोमीटर दूर से अवस्थित फुलत ग्राम से एक कुलीन कायस्थ परिवार निज मातम श्री सुग्रीव पटनायक वास भवन १९१३ ख्रीष्टाब्द माघ मास कृष्णपक्ष पंचमी तिथि को अवलंबन कर आचार्य प्रवर परमहंस वैष्णव कुल चुतामणि श्री श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज आविर्भाव होते श्रील महाराज माता नाम श्रीमती देवी और पिता नाम श्री चुक्त दामोदर पटनायक लाभ नहीं मुझे चेस्ट कर पिता माता चारिकोटी पुत्र मध्य श्रील महाराज ही द्वितीय एवं तर कौन भगिनी नथिले महाराज पूर्व नाम थी श्री नरसिंह पटनायक एवं अन्य तीन भाई नाम श्री गंगाधर पटनायक श्री भगवान पटनायक और श्री व्रज सुंदर पटनायक कौन एक पारंपरिक कौलिक मेला है जो तक पिता इच्छापुर निकस्थ निकटस्थ तुलसी ग्राम रे आसी बसवास कले श्रील महाराज प्राथमिक शिक्षा ग्रहण और उच्च विद्यालय उच्च शिक्षा लाभ करते से ब्रह्मपुर स्थित कालिकोटा महाविद्यालय योग दे एवं सेठे से स्नातक पीई डिग्री हासिल करते महाराज छात्र जीवन परोपकारी सत्यता सत्यपराज्ञा और निमत्सर आदि गुण भूषित थे तेनो महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा नीति तथा १९३० साल रे लवण सत्याग्रह तक उपर प्रभाव पकड़ गुरु महाराज जीवन चरित्र बहुत अधिक अटे किंतु वर्तमान समस्त कथा कह समय नहीं अनंतदेव जमी कृष्ण लीला कही केवे सरी पारती नहीं सीमती आम गुरु महाराज जीवन चरित्र संपूर्ण कह असमर्थ आम गुरु केमी जानव आम गुरु विषय रे जानव को हेले आम को प्रमाणिक ऊर्जा अनुसंधान करने श्रीकृष्ण ही आदि गुरु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अटंती श्री चैतन्य महाप्रभु तर अति अनन्य और अति निकटतम पार्षद श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति शास्त्र लिखा को आदेश दे अनेक शास्त्र मध्य भक्तिर समृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी अन्यतम शास्त्र से शास्त्र में श्रील रूप गोस्वामी भक्तिर 66 अंग उल्लेख कर तन्मध्य भक्तिर प्रथम पंच अंग लिखी गुरु पदाश्रयास्तस्मात् कृष्णादीक्षादि शिक्षणं विश्रम्भेन गुरुः सेवा साधु वर्तमानवर्तनं
गुरुंका पादा पद्मरे आश्रय निवा तंको थारो दीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण करिबा श्रद्धा सहित गुरुंकर सेवा करिबा साधुंकर पथा अनुसरण करिबा मु एवे किछि गुरुंका सेवा विषय रे कहिबे जेउ माने गुरु महाराजंकर अंतर्निहित भाव को जानि परन्ति एवं तंकर इच्छा को पूर्ण पुराण करे थांति एवं तंकर अनुगतरे तंकर पदांकित पथ को अनुसरण करे तंकर शरणागति रे सेवा करन्ति सीमानं को स्निग्ध शिष्य कुहाचाय आमको स्निग्ध शिष्य हेबको हेले प्रथमे आमको गुरुदेवंकर अंतर्निहित भाव को जानिबा को हेबा तंकर जीवनी चरित्र श्रवण कले आमे तंकर अंतर्निहित भाव को जानिपरिबा एवं जेउ माने तंकर अति निकटतम एवं जेउ माने तंकर शिक्षा रे अनुप्राणित होइछन्ते तंकु थु गुरु महाराजंकर अंतर्निहित भाव को जानिपरिबा गुरुदेवंकर विशेष गुण से सदा सर्वदा नाम एवं नामी श्री गौरांग श्री श्री राधा कृष्णंकर पादाश्रय करिथिले गुरु महाराज सदा सर्वदा हरि भजनर प्रतिकूल परिवेशरु दूरे रहुथिले से भगवान अंकर आश्रय ने सर्वदा हरि नाम करुथिले से तीव्र भजन करे तंकर गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एवं श्री गौरांग और श्री श्री राधा कृष्णंकर अहेतुक कृपा प्राप्ति होइथिले तंकर गुरुदेव एवं श्री गौरांग और श्री श्री राधा कृष्ण तंकु दर्शन दे स्वतंत्र उपदेश देथिले जे तुम्हें एवे तुम्हार रोगी शरीर को छाड़ी पारिब नाही तुमको एवे यही पृथ्वी रे रहिबाकु बोधिब तुम द्वारा अनेक किसी सेवा अच्छे सीमानंकर कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य मिशन प्रतिष्ठा कले एवं देशा देशांतर प्रचार रे तंकु सफल मिलिथिला एवं अनेक भक्त तंकर पदाश्रय करिथिले किंतु से निज को गर्वित मन करुनथिले वरम से सदा सर्वदा जानिथिले यह सब गुरु गौरांग राधाकृष्ण कृपा एवं तंकर इच्छा रे घटुचि से मैंने सब करुचे से सर्वक्षण निज को वैष्णव मनकर दास मन करुले तंकर विशेषता थी जे हरे नाम रे व्यवसाय न करिबा एवं प्रसाद को बिक्री न करिबा से सब पहले वैष्णव मान को प्रसाद वितरण करुले जदि कहीं वैष्णव अशांति जदि प्रसाद सरी चाहे थाए से ही समय रे जदि कहीं सेवक प्रसाद प्रस्तुत करिबा पाए नाराज हुआंति सेते पहले गुरु महाराज नीचे वैष्णव मान को पाए रुषे करे सीमान को परिवेशन करे सीमान को संतुष्ट करे थिले से समस्तंकर जत्न नौ थिले एवं समस्तंको दया करु थिले पहले पहले तंकर शिष्य मान को ठीक मार्ग रे चलिबा पाए से क्रोध प्रकाश करे सीमान को स्नेह करु थिले गुरुदेव अपसिद्धांत एवं अचुक्ति तर्क को खंडन करे सिंह परे सिद्धांत को स्थापना करुले किंतु से का को असमान करुनथिले मु जून 2008 रे गुरु महाराजंकर शेष दर्शन विशाखापट्टनम रे करिथिले से तंकर शरीर असुस्थ एवं वृद्ध अवस्था पाए उच्च स्वर रे हरिनाम करुथिले एवं तंकर शिष्य मानक द्वारा भागवत श्रवण करुथिले गुरुदेव सर्वदा भगवान को ध्यान करुथिले
एवं मानसिक स्तर रे से सब पहले वृंदावन रे वास करुथिले किंतु से बाहिर दृष्टि रे वृंदावन विराह रे रहुथिले एवं वृंदावन गमन करिबाको इच्छा प्रकाश करुथिले केहि चदि गुरु महाराज को वृंदावन प्रसाद दोथिले एवं वृंदावन विषय रे किछि कहुथिले से तांको प्रति प्रसन्न होय तांको अति स्नेह करुथिले यहपर मोर व्यक्तिगत दृष्टि थिला किंतु आमार गुरु महाराज एक महाभागवत मु मोर दृष्टि कोन रे तांकर अंतर्निहित भाव को संपूर्ण भाव बुझीबा को समक्ष नुहे मो पाए तांकर समस्त व्यक्तिगत व्यवहार अति स्मरणीय एवं हृदय स्पर्शी तांकर अप्रकट परे मोर अंतर रे अनेक आंदोलन उदय हेउछि किंतु मु चने एवं अनुभोग करू अच्छे गुरु महाराज सब पहले इथारे अच्छा से मते शक्ति दिए एवं मोर मार्ग दर्शन कराऊ किंतु मते सदा सर्वदा तांको मने पड़े एवं मु तांकर व्यक्तिगत सेवा करिबा को इच्छा प्रकाश करे मु मोर वाक्य पुष्पांजलि मोर गुरुदेवंकर चरण रे अर्पित करि तांकर अहेतुकी कृपा प्रार्थना करो अच्छे जय नित्य नित्य लीला प्रविष्ट गौर कृपा श्रीमूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस कुल चुतामणि अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी कुस्वामी महाराज की जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी श्री श्री राधा माधव राधा कुंज बिहारी चो की जय वंश कल्पत रूप्यश्च कृप सिंधु एव च पतित नाम पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तत्प्रकाशश्च दशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद साधितौ गौड़दय पुष्पवंत चित्र सुंदर भागीसाजस्य वदने लक्ष्मीजस्य वक्ष्यसि जस्यास्ते हृदय संवित्तं सिंहमहं भजे बरहापीड नटवर वपु कन्या कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कविश्व वैजयन्ति च मालं राधारस श्री रम्या परमा च परात्मिका रासोद्भवा कृष्णकांता कृष्णवक्ष स्थलस्थिता वृंदावई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तथा जय मुदिरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वादेव मध्य गुरुपाद पद्म अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज कर अशोक भाई चरणारविंद साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते कृपा प्रार्थना तत्पश्चात मध्य परम गुरु महाराज अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव प्रिय गोस्वामी अशोक भाई चरणारविंद साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते कृपा प्रार्थना तत्पश्चात जगद्गुरु सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रातुल चरण से साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते कृपा प्रार्थना शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिविलास पर्यटक महाराज अशोक भाई चरण अरविंद साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते तंकर वहित कृपा प्रार्थना श्रीपाद उमाकांत प्रभु श्रीपाद तमा कृष्ण प्रभु एवं अन्यान्य गुरु भ्राता वृंद समस्त वैष्णव वृंद भक्तिमंडली उपस्थित समस्त भक्त वृंद चरण में
साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते कृपा प्रार्थना। जदि अमर किसी योग्यता नहीं हरिकथा परेषण करने तथापि शिक्षा गुरु आदेश क्रमे ये अधमर जो प्रयास से जो किसी भूल थे तो आप क्षमा करेंगे। वैष्णवर गुणगान करे जीवर हैत्राण सुनी साधु गुरु मुखे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जे वैष्णवर गुणगान करे जीवर हैत्राण सुनी साधु गुरु मुखे साधु गुरु मुखर श्रवण करती कौन ना जदि वैष्णव मान गुणगान करा जाए ताहले जीवर त्राण होता है। जो भव संसार रे पतित होचु दुख कष्ट प्राप्त होचु से आमको मुक्ति मिलता है जदि आम वैष्णव मान गुणगान करवा। जगतर गुरु जगतर जदि आम कि भौतिक शिक्षा लाभ करने चाहूँ ताहले आमको जे प्रकार गुरुर आवश्यक रही से प्रकार परमार्थ जगत रे जदि आम अग्रगति करने चाहूँ ताहले परमार्थ जगत रे गुरुर आवश्यकता रही किंतु भौतिक जगतर गुरुदेव गुरु माने कौन करते ना आमको मंद उदय दया करती माने दया करती किंतु से दया रे किछ मंद थाए मंद उदय दया जिते कि भौतिक शिक्षा प्राप्त करने चाहूँ से कौन करूँ ना कि शिक्षक निकट रूम शिक्षा प्राप्त हो तांको गुरु बोली भावू एवं से माने जहाँ शिक्षा दियंती सेगुड़िक शरीर पर आत्मार मंगल से पारती ना से माने मंद उदय दया करती। महाप्रभु कहते जे दुई प्रकार दया अच्छी जगत रे गोटे मंद उदय दया आ गोटे अमंद उदय दया से जागतिक गुरु माने मंद उदय दया करती से माने अमंद उदय दया करें यही जगत रे केवल आम को शिक्षा प्रदान करती कौन पाई ना कामिनी कांचन प्रतिष्ठा पाई से माने शिक्षा प्रदान करती किसी शिक्षा प्रदान करती ताद्वारा कौन हम आम किसी प्रतिष्ठा मिल एवं किसी अर्थ प्राप्त होवा ए प्रकार आम किसी जगत रे आमर आम किसी जगत रे कौन करवा ना अन्य मानू शिक्षा प्रदान करवा और निजे किसी शिक्षा लाभ करवा। जागतिक गुरु माने कौन करते ना आम को यही जगत रे आम कि प्रकार उन्नति करी अर्थ आर्थिक उन्नति करी से विषय से माने आम को शिक्षा प्रदान करती किंतु से माने प्रकृत मंगल करी पारंते नहीं। सेतिपाय महाप्रभु जो आसिचंती एवं तांकर पार्षद मानंकु प्रेरण करिचंती जगत को तो जगतर जो माने दुख कष्ट रे म्रियमाण होचंती से मानंकु की प्रकार ए भौतिक संसार रो उद्धार करिकि भूलोकरु उद्धार करिकि गोलोक को नै जीवा पई से माने जगत रे पदार्पण करती तेणु जो मानक कृष्ण आज सदा सर्वदा व्यस्त बिव्रत जो जगतवासी कृष्ण सर्वदा दुखित क्रंदनरत कहीं ना जदि कृष्ण क्रंदन न करते दुख प्रकाश न करते गुरु प्रकट हो न था जो जगतर दुख दुर्दशा को अवलोकन करी कृष्ण गोटे स्वरूप प्रकाश कले जहाँकि गुरु रूप से जगत को आसिले
जे होंगे पारमार्थिक गुरु तो जो कृष्ण ए जगत को गुरु रूप से आसिले भागवत उद्धव जी को भगवान कहते जे आचार्य मंग विजान्यात नवमन्नित करिचित जे आचार्य मैने मुझे आचार्य रूप से आसपाई तुम्हें मत अवमानना करना जदि गुरु को अवमानना करा जाए ताहले शिष्यर कौन सी भक्ति पथरे अग्रगति हे ना से जीव गोस्वामीपाद भक्ति सन्दर्भ में कहते जदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाती ताहले भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जी जदि गुरुदेव रुष्ट हो जाती ताहले कौन करिवे ना भगवान गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखिबारे नारे किंतु कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखिबारे पारे जदि गुरु रुष्ट हो जाती परमार्थिक गुरु कथा कह जदि गुरु रुष्ट हो जाती ताहले कृष्ण रखी पारे ना कि जदि कृष्ण रुष्ट हो जाती ताहले गुरु रक्षा कर पारे कहीं गुरु को सामर्थ्य रही कृष्ण को प्रदान करें वैष्णवर आवेदन कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हवेन सदय यदि वैष्णव मैंने दया करती निवेदन करते कृष्ण को निकट रे गुरुदेव जब निवेदन करते कृष्ण को निकट रे ताहले कृष्ण कौन तांक कथा सुनिया पय बाध्य कहीं से निज जन से प्रकार परम पूज्यपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी परम गुरुदेव आज हूँ 15वां ब्रज विजय महामहोत्सव जेतेबेले से जगत को आसीथिले महाप्रभुंकर बाणी को प्रचार करिया पई सर्वत्र प्रचार करिया पई से जगत को आसीथिले आम शिक्षा गुरु पाद पद्म को मान शिक्षा गुरु मुखर आम श्रवण करते महाराज कौन सी ट्रेन रे यात्रा करती से तो से कौन करती ना पाखरे किसी प्रसाद रखि था थे कौन है ना ट्रेन में जवा समय जड़े व्यक्ति आगे कि भिक्षा मागियापी अन्य मानक भिक्षा मागि मागि आसुच्च शेषर महाराज निकट को आसिले कहले महाराज किसी भिक्षा दिं मु खाईना बहुत दिन रू मैंने भोक अच्छी कि भिक्षा दिंतु तो से महाराज कौन कले प्रथम कहले तुम हरिनाम कर हरे कृष्ण बोली कह कि महामंत्र कर तापर मु देवी से व्यक्ति जन कौन कले ना महामंत्र कले ना चुपचाप रे से महाराज कहले जते समय पर्यंत तुम्हें महामंत्र न कर किसी भगवत नाम उच्चारण न कर पर्यंत तुमको किसी मिले ना तो जोबले से हरे कृष्ण महामंत्र कि कहले जप मान कि महामंत्र कहले हरिनाम कले से संगे संगे महाराज कौन कले ना से पाखे जो लड्डू रखी थे किसी भगवान कृष्ण को प्रसाद रखी थे से प्रसाद सागे सागे दे कौन से अर्थ आकार जिन अर्थ देले ना भगवत प्रसाद दे तो जो महाराज माने जो आचार्य माने आसंती से माने जगत रे किसी शिक्षा प्रदान करती तो से शिक्षा दौंती कौन ना अन्य मान को आम किसी अर्थ आकार रे किसी प्रदान करुचु ताहले से जदि से अर्थटी नहीं किसी अखाद्य ग्रहण करती ताहले कौन हम आमर अमंगल हम आम जो अर्थ प्रदान कर अर्थर सदुपयोग हो पार ना से जो मान को किसी प्रदान करा जाए जदि कई भिक्षुक आसती जी आम किसी प्रदान करुचु तो भगवत प्रसाद प्रदान करिया दरकार से प्रकार जो प्रकार भगवान कथा अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंता हरि कथा अनंता से प्रकार महापुरुष मानकर मध्य कथा अनंत
तो गोटे प्रसंग कह कि मोर मो बाणी पुष्पांजलि को समाप्त करी। थे महाराज से पूज्यपाद भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी महाराज सेवा करुले राधा गोपीनाथ जीवं राजमंदिर राधा गोपीनाथ जीवं सेवा करुले पूज्यपाद गोविंद गोस्वामी महाराज थे कण ना गुरु महाराज से अवस्थान काल रे गुरु महाराज मध्य से समय से अवस्थान करुले महाराज मध्य अवस्थान करुले तो से समय थे राति दुईटा समय महाराज उठी पड़ती शज्ञा त्याग करी से कथोपकथन किंतु कहा सहित कथोपकथन करुंची कथबार्ता कहा सहित करा जानी पार ना गोविंद महाराज पूज्यपाद गोविंद महाराज तो से मध्य महाराज पाखे महाराज निकट में शयन करती तो हठात पर भाविले बोध किसी कथबार्ता हूँ तार अर्थ मैंने मंगल आरती समय हो गला मंगल आरती समय बोधे हो गला मो निद भांगी ना से संगे संगे पूज्यपाद गोविंद महाराज उठी पड़े तो मतलब मंगल आरती समय हो गला महाराज का अन्य ब्रह्मचारी मान सहित कथबार्ता करें से भयभीत हो उठी पड़े टाइम हो गला मंगल आरती समय हो गला कि उठी ना से भयभीत हो जितने उठी पड़े से देखुं कहीं ना ब्रह्मचारी केवल से महाराज कहा सहित कथबार्ता करु अदृश्य जहाँ सहित कथबार्ता करुंतर मूर्ति देखा जाऊना कि जदि कौन ब्रह्मचारी सहित कथबार्ता करते पाखे कि था कि गोटे रूम भितर महाराज जनक सहित कथबार्ता करुंखे मोबाइल कह सहित कथबार्ता करूना केवल से प्रकार कथबार्ता करणक सहित जड़े कथबार्ता कले जो प्रकार शब्द हुए से प्रकार शब्द हो तो हठात पर उठी पड़ी महाराज को पचारे महाराज मंगल आरती समय हो गला मंगल आरती करी से गुरु महाराज कहले एवं मंगल आरती समय है ना तुम्हें कहीं उठल एवं दुईटा बाजिचे राति दुईटा जो चारिटा बाजब से तुम्हें उठब एवं नित्यकर्म शेष कर मंगल आरती कर तो ये शयन कर आउ थे शो पड़ तुम कहीं उठी पड़ल ना से पूज्यपाद गोविंद महाराज कहते कि कथबार्ता श्रवण कली मुझे मानने आपण कहा सहित कथबार्ता होती भाविली बोधे मंगल आरती समय हो गला से उठी पड़ी कहले ना ना तुम शयन कर से पूज्यपाद गोविंद गोस्वामी महाराज से तो जानती गुरुदेव लीला से जानापी चाहिए जे महाराज कहा सहित कथबार्ता करते बारंबार पचारे से पूज्यपाद महाराज कहते जे कहा सहित मुझे कथबार्ता करी जगत किए अच्छा मुझे गोपाल सहित कथबार्ता करी तो जोबले ए प्रकार कथा श्रवण कले से आश्चर्यजनित हो गले गुरु महाराज को दंडवत कले कहार तात्पर्य जे से माने साधारण पुरुष नुहंती महाप्रभुंकर बाणी को प्रचार करने जो महापुरुष मैंने जगत को आने साधारण पुरुष नुहंती शरीर अप्राकृत शरीर सदा सर्वदा से मैंने कृष्ण लीलार चिंतन रे मग्न था राधाकृष्ण को दर्शन से मैंने सदा सर्वदा करती जो प्रकार प्रभुपाद गण मैने निजर कोठरी भितर प्रभुपाद को दर्शन करुले प्रभुपाद अप्रकट हो गला प्रभुपाद सहित कथबार्ता करुले पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद अप्रकट हो गले अप्रकट होगा थे बाहर किसी जन ब्रह्मचारी अच्छा किसी शब्द शब्द शुभुच कौन ना महाराज का सहित कथबार्ता होते परवर्त मुहूर्त आसिक पचार महाराज कृपा कर कहे आप रूम भितर तो कहीं ना आप समय धरी क्या सहित कथबार्ता करते पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते प्रभुपाद आसते सहित मुझे कथबार्ता करी तेणु से प्रभुपाद अप्रकट हो सारी
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଜନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ମାନେ ଜୀବନ ଧନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତରେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ହେବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୋର ମୁଁ ବାଣୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ମାଂଛା କଳ୍ପତର ବସ୍ କୃପା ସନ୍ଦେହ ପତିତାନ ପାବନେଭ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟ ନମଃ। हरे कृष्ण हरे बोल। वंदे श्री गुरुपदंदम भक्तबिंद समन्वित श्री गौर प्रभु वंदे नित्यानंद सहदित श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन समायुत वृंदावन मनोहर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण गौरपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी नामिने राधाकृष्ण नाम रसास्वाद प्रचार मदिने शील भक्ति सिद्धांत धार रक्षणे प्रभवे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमो। वाछा कलपतरभ्य कृपा सिंधुभ गजपति पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नम नम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुति तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विश्वान स्तुति प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वदौ मदीय गुरुपाद पद्म पतित पावन पश्चात प्रच्युपश्चात जगत प्रचारक प्रवर श्रीशील भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज रसिक अभय चरणारविंदरी ए अधमर षष्ठांग दंडवत प्रणीपात करी प्रार्थना करूँ। तत्पश्चात मत शिक्षा गुरु श्रीशील भक्ति विलास पर्यटक महाराज अशोक अभय चरण कमरे ये अधमर षष्ठांग दंडवत प्रणी करी प्रार्थना करूँ। परम गुरुदेव श्रीशील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज अशोक अभय चरण कमरे ये अधमर षष्ठांग दंडवत परिवर्तन ज्ञापन करूँ। उपस्थित श्रीशील तमल कृष्ण प्रभुजी एवं श्रीशील उमाकांत प्रभुजी अशोक अभय चरण कमरे ये अधम षष्ठांग दंडवत एवं मोर समस्त गुरुभ्रतावृंद एवं समस्त श्रोता मंडली को मोर अनंत कटिवार षष्ठांग दंडवत प्रार्थना करूँ। हरे कृष्ण। आज हूँ पंचदशतम तीरभव महामहोत्सव पंचदशतम तीरभव महामहोत्सव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराजी तीरभव महोत्सव जी उत्सव को आम उपलक्ष करी आमर मनरे उद्देश्य रखी आमे समस्ते एकत्रित होजे से महाराजी आज ये तिथि से नित्तल प्रविष्ट करते नित्तल प्रवेश करते निज लोक को से जाते अनेक कथा तो अच्छी हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि भक्त भी अनंत अनेक लीला अच्छी अनेक लीला को वर्णना करने आम पाखे सामर्थ्य ही ना तेणु अल्प समय मध्य
चेष्टा करी लीला किसी वर्णन करने गौड़ वैष्णव मैंने कहते आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण हेते जे आर सब मरे अकारण तो जी गुरुपाद पदवंकर आश्रय नहीं ये संसार रे बसती स्थापन करिवे सेमानंकु तांकु स्वयं कृष्ण ही रक्षा करिवे एवं तांको पछरे सदा सर्वदा कृष्ण ही रहिवे जेमिति पूर्व रूप हैला जे कृष्ण जदि रुष्ट होए गुरु राखी बारे पारे गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे तेणु आमको गुरुदेवंकर आश्रय नबा पड़िवो अनेक कथा अछि महाराज माने कहंती जे वास्तव रे ए संसार रे गरीब किए वास्तव रे गरीब किए वास्तव रे गरीब जे जहाँ पाखे धन नथिबो से गरीब नुहे जहाँ पाखे पैसा थिबो से धनी नुहे जाको कपड़ा टे मिलू नथिबो से गरीब नुहे जाको खाइबा गुने से गरीब नुहे जाको खाइबा को मिलुथिबो छप्पन भोग मिलुथिबो भल भल मखमल कपड़ा पिंधे मिलता सी भी धनी नुहति तो वास्तव में धनी किए ना वास्तव में धनी सीए जी गुरु को आश्रय नहीं जहाँ को वास्तव में गुरु मिली जाइंट सी हूँ प्रकृतर धनी सी हूँ प्रकृतर धनी कहीं ना जदि गुरु मिलगला सी जदि गुरु को आश्रय ने तो धनर उत्स जहाँ पाखर ये जगत सृष्टि जहाँ पाखर सारा धन संपत्ति समस्त किसी सृष्टि सी तर बसीभूत ना गुरु पाखे किए बसीभूत स्वयं कृष्ण ही बसीभूत गुरु करकमल कृष्ण अच्छा तेणु आम जी सद्गुरु आम गुरु जब पदाश्रय करवा तो गुरु आम कृष्ण दे पारे तो कृष्ण जहाँ दे पारती कृष्ण जदि आमको मिलगला तो आमको धनर किए आवश्यक तेणु गौड़ वैष्णव मैंने कहते जे वास्तव में धनी किए जी सदगुरु पदाश्रय होती सी हूँ वास्तव धनी तो वैष्णव मैंने कहते गुरु तीन प्रकार अनेक तो कथा अच्छी गुरु तीन प्रकार साधारण तो गुरु तीन प्रकार केमी ना पक्षी स्वभाव आउ जड़े हूँ गोमाता स्वभाव आउ जड़े हूँ मत्स्य स्वभाव मान स्वभाव तो पक्षी स्वभाव कौन कैसे जितेबाड़ माँ पक्षी शावक पिलापाई खाद्य आने बहुत दूर दूर रु पा खुदा मेटापी कि खाद्य संग्रह कर आने से कौन करे ना छोट पा छोट पक्षी शावक पटी मेला करें से कौन कहना थंटे पटी से खाद्य भरी दिंती माने जबरदस्त खुई दिंती तो ये कहूँ जे कि गुरु था आमर गौड़ वैष्णव अनेक आचार्य माने थांदी से माने बारंबार कहती अरे भजन करो मठ को आस ये भजन कर सदगुरु आश्रय नियो भागवत श्रवण कर देले आमर मंगल हबो ये हूँ पक्षी स्वभाव गुरु छुआ न चाहिले भी तांको जबरदस्त करके पार्टी रे सी खाद्य को जबरदस्त पूरे दिंती भरण कर दिंती जेहेतु पिला जाने निजे मु खाइले कौन हम न खाइले कौन हम केवल खुदा लगे आस पार्टी आगे ठीक से भाया आम जदि ये मठ मंदिर को आसवा आम जदि गुरु पदाश्रय करवा से पक्षी मातृपक्षी सदृश गुरु आमको जबरदस्त करी हरिनाम शुणाती हरिनाम गाथा शुणाती हरिनाम आम द्वारा कई दिंती भागवत शुणाती एवं अनेक किसी आमको आम द्वारा कर जबरदस्त कर दिंती आसिले किए ना गोमाता स्वभाव गुरु गोमाता स्वभाव गुरु कौन करती ना गोमाता स्वभाव गुरु तो गोमाता कौन कैसे साधारणतः जितेबले गोमाता एक नूतन बाछुरी जन्म करती बत्सा जन्म करती तो सी कौन करती गोमाता क्षीर को लेकिन बाछुरी मुहरे पराती सी कौन करती ना सी केवल शांत ही छिड़ा रुंती सी कहते जे मोर पन्हारे क्षीर अच्छी तुम्हें जिते पान करुच कर तुम्हें जिते पान करुच कर तुम्हें जिते पान कर तुमर ही मंगल आ तुम ही हृष्टपुष्ट रहा ये हूँ गोमातार स्वभाव ना गोमाता केवे पन्ना को लेकिन बाछुरी मुहर करेगी पन्ना के बाछुरी मुहर भरे कि शांत होवल दंडाई मन कैर बाछुरी सत आसिकी पन्नारू
କ୍ଷୀର ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ବା କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଗୌଡ଼ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ତ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସତ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଗୁରୁଦେବ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ ବାଣୀ ବାହାରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୋତେ ଲୁଟିବାର ଅଛି, ମାନେ ତାହାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେସବୁକୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା ସଦୃଶ ଗୁରୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ସଦୃଶ ଗୁରୁ, ମାଛ ଭଳିଆ ଗୁରୁ, ଯେଉଁ ମାଛଙ୍କର ମାଛମାନଙ୍କ ମାନେ ମାଛର ସ୍ୱରୂପ ମାଛର ଭରି ମାଛ ଭଳି ଗୁରୁ। ତ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଏଠି, ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଭରିଦେଲେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ପାଟିରେ, ଗୋମାତା ପହ୍ନା ଅଛି ଭଗବାନ ବାଛୁରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ଶୋଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଛର ନା ଥଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ୍ଷୀର ଅଛି ନା ପହ୍ନା ଅଛି, ତାମାନେ ମାଛ କେବେ ତା ଛୋଟ ମାଛକୁ କେବେ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ସେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ତମେ ଆସ ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କର, ସେ ବି କହିପାରନ୍ତିନି। ତ ମାଛ କ'ଣ କରେ, ମାଛ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏ ଛୋଟ ମାଛଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ସେମାନେ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧ ଲୀଳା, ଅସୁସ୍ଥ ଲୀଳା। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏଠି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନଜର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା ନା, ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଥରେ ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ ଆସିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବେଡ଼ା ପାର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଥରେ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବେଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର ହୋଇଯିବ। ତ ସେ ନଜର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେଭଳିଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଆମେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇପାରିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର, ଯେତେବେଳେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଯାଇ ଗଲେ ହରିନାମ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକନାଥ ଠାକୁର ପାଖକୁ, ତ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ତ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ସେ ବି ଏକ ଅଝଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ହେବି ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ଅନେକ କିଛି ଲୀଳା ଅଛି, ଛୋଟ ଲୀଳା ଯେ ଏପରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ସେ ଖୋଜିଲେ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚତର ବୈଷ୍ଣବ, ଉଚ୍ଚତର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେମାନେ କାହାକୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତିନି, ସେବକକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର କୌଣସି ଏକ ସେବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ସେବାରେ ସେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ ସେହି ସେବାକୁ ସେ କରିବେ, ଏ ହେଉଛି ସେବକର ବୃତ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସେବକୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ନରୋତ୍ତମ ଦାସକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ଯାହାକି ଆମର ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବି ବା ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିପାରିବି। ତ ଏଭଳି ଖୋଜୁ 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 ଗୋଟିଏ ସେବା ପାଇଲେ ଯେ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି ବା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେହି ଜାଗାଟାକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଲୋକନାଥ ଦାସ ଠାକୁର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି, ବାହ୍ୟକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତ ଏ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ମାରିକିରି ତାକୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ତିନି ଦିନ ଗଲା, କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଛି, ଏଠି କାଇଁ ଅଳିଆ ତ ହେଉନି ଆଉ, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏ କର୍ମ କିଏ କରୁଛି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ, କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଏ କର୍ମ କିଏ କରୁଛି, ତା'ମାନେ ଏ ଶିଷ୍ୟଟା କିଏ, ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ କିଏ। ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଗୁରୁଦେବ ଆମର ସେବାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ସଦୃଶ। ତ ମତ୍ସ୍ୟ ସଦୃଶ ମାନେ କେବଳ ଗୁରୁଦେବ
ବସିଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜର, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ନ କରୁଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ ନଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଛୋଟ ହୋଇକି ମୁଁ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ତ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ କେମିତି ହେବେ ନା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମନନ କରିବା, ତ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟତମ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନର ପ୍ରଚାର ହେଉ। ତେଣୁକରି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ରହିବ ଆମେ କେମିତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାଧନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ଆମେ ସାଧିତ କରିବା, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ କେମିତି ହୋଇପାରିବା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ କେବେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା, ତ ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏଇଟା ମାନେ ଅନେକ ମହାରାଜମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ବାଣୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶିଳ ଭକ୍ତି ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଶୋକ ଚରଣର କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଅହିତିକର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତର ବସି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭବିଷ୍ୟ ପଦେତାନ ପାବନେ ଭି ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟ ନମଃ ନମଃ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀପାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖର ସ୍ମରଣ କରି ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଗୁରୁଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀପାଦ ଗଣେଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଇବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚରଣଙ୍କ ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविचार विष्णुगोस्वामीति नामिने। राधाकृष्ण नाम रसास्वाद प्रचार मदिने, श्रीभक्ति सिद्धांत धारा रक्षण प्रभवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च, पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देव प्रियाय केशव सज कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमः नमः। नारायण नमस्कृते नरं चैव नरतम देवी सरस्वती व्यास तत जयत मुदिर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुरसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम मध्य परम हराधितम भक्ति विचार विष्णु को समाराज अशोक चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणिपात करत कृपा प्रार्थना करुचे। ମଧ୍ୟ ଶିକା ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଭକ୍ତି ବିଚାର ଏ ଭକ୍ତି ବିଳାସ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଶୋକ ବିଚରଣ କମଳରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବୋଧ ପ୍ରଣିପାତ କରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀପାଦ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀପାଦ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁ ଭାରତ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ହେଉଛି ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିବୈ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପଞ୍ଚଦଶତମ ବିଜୟ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ବାଣୀରୂପୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି
संक्षेपरे कहवापी प्रयास करी। जे साधुगुरु मुखर जहाँ श्रवण कर व्याख्या करने प्रयास करी। जे गुरु मठ मंदिर हूँ गुरुदेवंकर संसार। ये संसार रे संसार जागतिक संसार तो रही चालना परिचालना सब रही किंतु आध्यात्मिक गुरुदेवंकर संसार। ये संसार रे रहिबा पाई हेले माने प्रवेश करिबा पाई बा आनंद लाभ करिबा पाई हेले गुरुदेवंकर आश्रय नेबा दरकार। ताते कृष्ण बजे गुरुर सेवन मायाजाल छुटे भावे कृष्णर चरण। जे जेते बेले आमे गुरुदेवंकर शरणागत हेबे एवा शरणापण हेबा षडंग शरणागति अहिबे जा तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। गुरुदेव ही भगवान को संबंध करी दियंती भगवान को धरे दियंती आउ भगवान स्वरूप प्रकाश करती तबे गुरुदेव ही प्रथमे गुरु आश्रित होगा दरकार। तेणु गुरुदेव होती सर्वाग्रे पूजनीय गुरु को न मानव न गुरु साक्षात ईश्वर। गुरुदेव होती साक्षात ईश्वर। जो मैंने गुरु को मानती ना से मैंने भवसागर तरीपारती ना। आ मंदिर मानकर पूजारी प्रथमे गुरु की ही पूजा करे कि अन्यान्य समस्त ज्ञानी हो कि समस्त संस्था हो समस्ते गुरु को प्रथमे अग्रे पूजा करती। तेणु थरे बड़ करोड़पति थिले से तांकर पुत्र जने थिले जे पुत्र थिले किंतु बापा को मानु नथिले जे पुत्र जदि बापा को पैसा कि जहाँ मागे बापा ता दे पारे कि ना देवेनी। कारण जे बापार कथा सुनिले ही पुत्र को टंका कि जा दे पारे। तेणु यही गुरु महाराज जो संसार ए संसार रे नियम रही से नियम पालन करने द्वारा षडंग शरणागति अहिबे जार तार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। ए गुरु महाराज जो नियम रही मठ मंदिर जहाँ नियम रही गुरु महाराज जहाँ नियम कर ता पालन करने द्वारा भगवत भगवान को प्राप्त करी हुए। तेणु पिता जदि पिता को पुत्र पिता को प्रसन्न कले ही ताको
पैसा बा जहाँ किसी दिखती से हीपरी गुरुदेव को प्रसन्न करने द्वारा ही गुरुदेव से भगवान को दिखती ये कही मोर बाणी को विश्राम दौर भाषाकृ कृपा सिंधु पति श्रीराधे श्रीराधे आम्भे मैंने श्रवण कले समस्त प्रभु मान मुखर बहुत सुंदर भाव आम मान श्रवण कर आज तो बहुत स्वल्प समय आम मान मध्य से महाराज मध्य विशेष किसी कहवापी चाहूनी समस्त अनुरोध जदि महाराज संबंध में जानापी जो मैंने इच्छुक वर्तमान महाराज संबंध में गोटे चरित्र विषय एक ग्रंथ प्रकाशित होगा जाऊँगी समस्ते जो मैंने आश्रित विशेष कर जो मैंने नामाश्रित होती से मैंने महाराज संबंध में जानतु विशेष करके भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज गुरुदेव जी श्रील प्रभुपाद गण मान संबंध में जानतु तांको चरित्र संबंध में आप मैंने अवगत हेले आपण मैंने बुझीपर जे ये मनीष जीवन रो लक्ष्य कौन और आम मैंने कहीं जगत आसीछे आउ भगवान आम मान को ये मनीष जन्म कहीं विशेष करके आपण मैने गौड़ मठ को रेगुलर आसिले बुझीपर भजन रो माने कौन ना बुझीपर कहीं शास्त्र वर्णना कर साधु संग निहाती आवश्यक साधु संघ द्वारा आपण मैंने हरिनाम करमाश्रित अच्छा और जो मैंने नामाश्रित भी नहांती से आप बुझीपारे कहीं भगवान नाम करने को तीन टा जिनस आवश्यकता रही तत्व तथ्य लीला रहस्य तीन टा जिनस बिना कहीं शुद्धनाम ग्रहण करें से तत्वर आवश्यकता रही तथ्यर आवश्यकता रही लीला रहस्यर आवश्यकता रही कहीं जदि आपण मानक तीन जिनस भितर अवगत न हो ताहले आपण माने कदापि भगवान शुद्धनाम को ग्रहण करें आउ तत्व जानला तथ्य जानला लीला रहस्य जानला आपण माने बुझीपर जे आमर मनीष जन्म कहीं प्राप्त होचे पुणी भजन कहीं करवा भगवान सहित आम कौन संपर्क अच्छी से बुझीपर कि श्रवण न कले बुझीपर से प्रहलाद महाराज भी कहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम और चैतन्य चरितामृत मत कहगला श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय हृदय से श्रवणटा को गुरुत्व दिखाई श्रवण श्रवणटा को मुख्य अंग बोली कहगला मन ना चैतन्य चरितामृत कहुई तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन श्रेष्ठ किंतु जड़े श्रवण बिना नाम संकीर्तन करें नाम जप मध्य करदेव मना ना कि नाम जप नाम धरु धरु सी कौन कर मनरे अनेक अनर्थ अनेक विभिन्न प्रकार जागतिक चिंता आस पशिव से जड़े श्रवण करवा बिना भगवान शुद्ध नाम के भी ग्रहण करें से साधु संग कर हरि बजे जदि तब हंत क्लेश आउ साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाहे संसार जिन्हें तार कौन वस्तु ना एमती अनेक कथा कहुई आउ महाराज संबंध में तो कहना समय कम से आम मैंने महाराज संबंध में समस्त मुखर श्रवण कले से मु जो भगवान जेत कहीं कलिजुगर धर्म होचे नाम संकीर्तन यत दर्ते अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन नाम संकीर्तन द्वारा ही जड़े ये जगतर उद्धार पाई से नाम केमी करवा दरकार से विषय जानापाइले मठ को निहाती आसवा दरकार समस्त अनुरोध समस्ते आसतु जोटि भी श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन शाखा अच्छी कि गौड़ मठ शाखा अच्छी से आखपाख जदि अच्छे समस्ते जातु आ भगवान विषय निज विषय आगत विषय मान जानवाप चेषा करूँ जदि जानवे तेल आप बुझीपर मनीष जन्म कहीं प्राप्त होचे आ मनीष जन्म पाई भगवान भजन कहीं दरकार आ भगवान किए कहीं भगवान विषय साधु विषय गुरु विषय अनेक अनेक लोक संध्या नौ गुरु किए साधु किए भगवान किए एक कथा बुझी पार ना गोटे साधारण मनुष्य को भगवान भावुँच साधारण पुरुष को जे साधु भावुँच
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଶ୍ରବଣ କଲାପରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ସାଧୁ କିଏ, ଗୁରୁ କିଏ, ବୈଷ୍ଣବ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରିବେ, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶା କଳ୍ପତରୁ ବିଶ୍ୱ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରତାନ ପବନ ବିଷ୍ଣୁ आरती आरती आरती।